हेलो भाई, मैं अरुण पवार। आप सभी को पता होगा भाई, ये स्कॉर्पियो इन तो हमारी बड़ी फेमस रही है बहुत मंदे टाइम से। इसमें वही सनरूफ वाली जो इशू थी, अब क्या इसका हमने सनरूफ देखो आप सभी को पता है ठीक करवा लिया, कंपनी वाले इसको चेंज कर गए थे। उसके बाद से भाई अब ये टेस्ट हो रहा है, इतनी बहुत तेज बारिश आ रही है आज हमारे यहाँ पे। ये आप यहाँ साइड लगाओ, बहुत तेज है। मतलब अगर इस गाड़ी का इंसुलेशन बहुत अच्छा है, बाहर की आवाज़ इतनी तेज आती नहीं है, तो अब देखो आप एक भी इसमें बूंद टपका कहीं से भी नहीं आ रहा है। जैसे बहुत लोग कहते हैं ना कि रीसेल में भाई आपकी तो सनरूफ चेंज हो रखी है, ये चेंज हो रखा है, वो चेंज हो रखा है, इसमें से पानी लीक करा था। अब देख रहे हो आप इतनी तेज बारिश हो रही है बाहर, स्टिल इसमें से कहीं से भी आपको एक बूंद एक टपका पूरी सनरूफ में से आप कहीं से देख लो नहीं दिखेगा। अभी भाई मेरा ये आपको दिखाने का वो नहीं है, कंपनी वालों ने दिए इतने हाई लेवल पे ले जाकर, उनको परफेक्ट देखो गाड़ी करके देनी थी और करके भी दी। मैं इसमें बहुत उनकी अच्छी बात मानता हूँ, ठीक है। लेकिन बहुत लोग मैंने क्या है, जैसे आजकल क्या है टेस्ट ड्राइव वगैरह होती है ना गाड़ियों की, तो जो डीलरशिप वाले होते हैं बहुत लोग ऐसे कहते हैं डिफेंड करने के लिए इस पॉइंट को, जैसे कोई कस्टमर बोलता है उनसे कि भाई स्कॉर्पियन में तो ये इशू है कि पानी लीकेज होता है या वो, तो वो क्या है कहते हैं भाई उन्होंने झूठी वीडियो बनाई थी, उन्होंने क्या है यहाँ से इसको ऊपर उठाया था तब पानी अंदर आने लग गया था, मतलब ऐसे कुछ भी हाउ ब्लाउ बनाते हैं। तो मैंने सोचा भाई आज इसी का मैं टेस्ट करके जरा उन लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे बहुत संघ के यूट्यूबर भी थे जिन्होंने ये बोला था कि तुमने यहाँ से उठा रखी थी, मतलब मुझ पे गलती क्या हुई, मैंने ऐसे कर दी थी भाई नॉर्मली ना, जैसे नॉर्मली हम बंद रखते हैं, तो उनको लगा कि ये पीछे से खुली पड़ी होगी। अब देख लो पूरी सनरूफ बंद है, तो आज जरा मैं ये दिखाने वाला हूँ। अपना मैं फ़ोन वोन एक मिनट हटा लूँ, अगर मैं इसको यहाँ से खोल देता हूँ ऊपर की तरफ कर देता हूँ तो पानी यहाँ से आएगा या कहाँ से आएगा, तो एक मिनट ये देखो। ए अरे तू ऊपर मत, ये देखो अब ये यहाँ से खुली है, ठीक है, हल्की सी, अब भी नहीं खुली। ए अगर मेरे को रिक्लाइन करनी है ये, तो ये देखो अब ये यहाँ से उठ गई है, ठीक है भाई, अब ये यहाँ से उठ गई है। अब बताओ यहाँ से उठने के बाद इसमें कहाँ से पानी आ रहा है, देख लो यहाँ से पानी आ रहा है इसमें, यहाँ से देखो यहाँ पे पानी आ रहा है इसमें, यहाँ से कोई पानी नहीं आ रहा है भाई, देख लो यहाँ से कहीं से पानी नहीं आ रहा है, वो पानी आ रहा है यहाँ से। अगर वो पानी आना होगा डायरेक्ट यहाँ से आएगा, यहाँ से आने का कौन सा सेंस होता है। तो भाई मैंने मतलब बहुत वीडियोज़ देखे, मैं इसको बंद कर देता हूँ, मैं फालतू में पंगा नहीं लूँगा लोगों को दिखाने का, क्योंकि भाई दुनिया भर के जितने मुँह होते हैं उतनी बात बनाते हैं। तो अगर यहाँ से खुलती तो थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ, पानी सीधा यहाँ से आता, यहाँ से एक टपका आता कोई भी दिखा दे उन वीडियोज़ में। मैं मतलब दोबारा से उस मुद्दे को उठाना नहीं चाह रहा, पर मेरे पास एक वीडियो आई थी उठते उठते, कोई तो टेस्ट ड्राइव ले रहा था, मतलब वो वीडियो ऐसे मतलब किसी नए यूट्यूबर ने डाली थी, तो ऐसे इंस्टा पे टैग कर देते कुछ भाई, तो उसमें मैंने देखा तो मुझे काफ़ी ऐसे बुरा सा लगा यार, क्या है यार इन लोगों को कुछ भी बना रहे, मतलब अपनी बुद्धि तो थोड़ी बहुत यूज़ कर लिया करो, ठीक है। यहाँ से अगर रबड़ कटी रहेगी, यहाँ से रबड़ ढीली होगी, तो तब पानी यहाँ से आएगा, यहाँ से अगर पानी आना होगा तो वो डायरेक्ट यहीं से आ जाएगा भाई। अब वही है जितने मुँह उतनी बात, अब किस किस को आदमी सफाई दे, तो यही है भाई। देख लो पानी मतलब बारिश भी बहुत तेज़ आ रही है, ऑटोमेटिक पे वाइपर है, तो अपने आप वाइपर्स की स्पीड से अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी तेज़ बारिश है। मैं उतर नहीं सकता हूँ, ये आप नालियाँ बहते हुए यहाँ पे देख सकते हो कितनी तेज़ पानी पड़ रहा है। तो भाई इन चीज़ों को छोड़ दो, हुई थी एक आध गाड़ी में इनोवेशन डिफेक्ट आ जाता है, तो वो वाली बात थी और कुछ नहीं, और तेज़ होती जा रही है। और अगर किसी को डाउट है तो ये देख लो एक बार और उठा दूंगा, ये देखो यहाँ ऊपर से एकदम फिर से पानी आने लग गया है, तो यहाँ से पानी आता है कहीं से भी, स्पीकर माइक स्पीकर कहीं से भी पानी नहीं आएगा, डायरेक्ट पानी यहाँ पे छलकेगा, इसके ऊपर आप देख रहे हो सीधा पानी यहाँ से आ रहा है। अब बहुत कहेंगे प्रेशर इतना ज़्यादा था उसका, भाई कितना ही तेज़ प्रेशर हो, इतना स्पेस है, ये यहाँ से आता हुआ दिखता पूरा पानी यहाँ से। उस वीडियो में आप आँख फाड़ फाड़ के देख लेना, कहीं भी यहाँ पे तो पानी गया ही नहीं, सारा पानी यहाँ पे जमा हुआ था। छोड़ो फिर से वही बात है भाई, बंद कर लेता हूँ, ठीक है ये बात। चलो भाई, और हाँ एक चीज़ और है, लोग ऐसे कहते हैं भाई तुमने ये चेंज करवा रखी है, रीसेल वैल्यू बहुत कम हो गई इसकी वजह से, ये वो फलाना ढमकाना। तो मैं उन भाइयों को भी कहना चाहूँगा, भाई ऐसे तो गाड़ियों में दिक्कत आ जाती है, इसका मतलब कंपनी से चेंज थोड़ी करवा रहा है आदमी, तो बाहर से चेंज करवा रहा है। कंपनी में कुछ भी दिक्कत हुई, मतलब कुछ भी पार्ट यहाँ पे दिक्कत हुई, तो ये ऑथराइज वर्कशॉप तो पागल बैठे रहते हैं, रीसेल वैल्यू तो ऐसी टूट जाती है, एक बार मतलब पार्ट खराब हो गया तो वारंटी किस बात की देते हैं ये वाले लोग। इसको तो आपकी सनरूफ ये थी, अरे ठीक तो है, बता दो ना कहीं से भी एक भी टपका पानी आ रहा हो तो देख लो पूरी गाड़ी में। ये तो मेरे करा कर मैं भी नहीं, जो मैंने थोड़ा सा कराया, मैं थोड़ा जिगरे वाला आदमी, मुझे डर नहीं लगता। बताओ कहीं से भी एक बूंद भी पानी आ रहा हो तो कहीं भी पूरी गाड़ी में इतनी तेज़ बारिश में भी, बता दो। यही थी भाई थोड़ा सा मेरे को दिखाना था भाइयों को, मैंने कहा कि टेस्ट करके दिखा देता हूँ। और भाई अब देख लो उतर के थोड़ा सा मेहनत करता, ओ भाई कितनी तेज़ बारिश, मैंने उतर रहा सॉरी।
ओ भाई साहब, ओ भाई कितनी तेज बारिश पड़ रही है। मैं यहाँ दिखा रहा हूँ बाहर, एक मिनट छाता ले लूँ तब दिखाता हूँ अगर हो पाया तो। ये देखो भाई, अब मैंने छाता ओढ़ लिया है MG वालों का। अब मैं आपको दिखाता हूँ जरा, अब ऊपर से देखो आप, ये देखो ऊपर से बारिश देख लो कितनी तेज। ऊपर से दिख रहा है कुछ? दिख जा, ये देखो कुछ भी नहीं हो रहा भाई। भाई हिम्मत तो इनकी है यार, देखना। तो भाई हमारी गाड़ी एकदम परफेक्ट है, मस्त है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं तो बड़ा खुश हूँ अपनी गाड़ी से। अब कोई कुछ भी बोलता रहे, कुछ भी सोचे, देख लो कितनी तेज़ इस पर प्रेशर पड़ रहा है बारिश का भी। मज़ा आ रहा है, एक बूंद भी अंदर चली जाए तो। सो इन भ्रमों को, इन अफवाहों को फैलाना बंद करो महिंद्रा वालों। गाड़ी वैसी बिक रही है आपकी, इतनी वेटिंग में है आपको, झूठे वो बहाने देने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी को भी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों, थैंक यू सो मच।